Hello students, welcome back to our YouTube channel Alisha Maths Classes. So in our previous video I have discussed the first 10 questions of this exercise 7.2, which is based upon the substitution method to solve the integration questions. I hope that you have seen that video, but still if you have not watched the video, not to worry at all. You can just click on the description link given in the I button. You can click over there and you can watch the video firstly. So without wasting the time, let's start question number 11 of exercise 7.2. Students, let's see question number 11. This is integration of x upon square root of x plus 4, where x is greater than 0. तो कल हमने इस क्वेश्चन के डिस्कस किया था इस टाइप को. मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका फंक्शन स्क्वायर रूट में हो, उस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए जिस फंक्शन के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, आप सिंपली उसको क्या पुट कर लीजिए, टी स्क्वायर, सो दैट टी स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर निकल के हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाए. तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर हमारा फंक्शन है एक्स प्लस फोर, सो लेट अस टेक एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टी स्क्वायर. इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, यू कैन अप्लाई एनी मेथड. एक कोई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस फोर और माइनस फोर सब्ट्रैक्ट और ऐड कीजिए, उससे क्या होगा, आपका x प्लस फोर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस फोर वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा, कटिंग करके वन में से पावर वन बाय टू माइनस हो जाएगी, और दूसरा हमारा इंटीग्रल माइनस फोर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस फोर बन जाएगा, तो वो हमारा सिंपली x इज टू पावर n फॉर्मूले से हो सकता है. तो इसको कई तरह से कर सकते हैं आप सॉल्व. मैं अपना वही मेथड फॉलो कर रही हूँ जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में फॉलो किया है. तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कैन जस्ट अप्लाई द सेम ट्रिक ओवर द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो यहाँ पे लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर ये है टी स्क्वायर ले लिया. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स. ध्यान रखना वैसे एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, लेकिन यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कुछ नहीं ले रहे, यहाँ पे सभी को वेरिएबल लेकर चल रहे हैं. सो एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, फोर कॉन्स्टेंट एस का डेरिवेटिव जीरो, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी एंड विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा डी टी. तो हमारा जो ये इंटीग्रल है, यहाँ से एक्स की वैल्यू को इवैल्यूएट कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर माइनस फोर. तो इस एक्स स्क्वायर को हम क्या डालेंगे, टी स्क्वायर माइनस फोर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, टी स्क्वायर. एंड यहाँ पे जो हमारा डी एक्स है, ये डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, टू टी डी टी. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या ट्रिक अप्लाई किया. मैंने पूरा इंटीग्रल जो एक्स में था उसको टी की फॉर्म में चेंज कर लिया है, सिंपली एक्स प्लस फोर को टी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया और ये इंटीग्रेशन हमारा टी के रिस्पेक्ट में आ चुका है. तो टू इज़ अ कॉन्स्टेंट, यू कैन टेक इट आउटसाइड. सो टी स्क्वायर माइनस फोर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी, हमारा टी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिंपली इट विल बिकम टी और ये हमारा है टी डी टी. सो टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसल. तो बहुत ही सिंपल हो चुका है हमारा इंटीग्रेशन. इसको सेपरेट करना आप सेपरेट कर सकते हैं, टी स्क्वायर डी टी माइनस टू फोर द एट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी. तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जैसे एक्स एस टू पर एन का इंटीग्रेशन होता है, एक्स एस टू पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. सो टू प्लस वन थ्री अपॉन टू प्लस वन, वो भी थ्री, माइनस एट, यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं तो वी कैन टेक इट वन. वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो हमारा टी आ जाएगा प्लस सी. नाउ अगेन यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टी, यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर. तो बस यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर का होल क्यूब अपॉन थ्री माइनस एट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस सी. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्क्वायर रूट पावर वन बाय टू को डिनोट करती है, तो वन बाय टू इंटू थ्री क्या हो जाएगा, थ्री बाय टू. तो आपको क्वेश्चन का आंसर इस फॉर्म में दे रखा होगा, माइनस एट, ये सिंपली स्क्वायर रूट है, इसको आपको पावर वन बाय टू के फॉर्म में लिखना है, लिख लो, अदरवाइज ये सिंपली ऐसे ही रहेगा. सो दिस इज आवर आंसर, प्लीज नोट डाउन. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन होल रेज टू पावर वन बाय थ्री इंटू एक्स रेज टू पावर फाइव डी एक्स. पहले ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इस फंक्शन के ऊपर पावर है वो वन बाय थ्री है. पिछले क्वेश्चन में हमारा एक्स प्लस फोर के ऊपर स्क्वायर रूट था, तो मैंने इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए टी स्क्वायर ले लिया था, क्योंकि ये स्क्वायर रूट क्या डिनोट करती है, पावर वन बाय टू को.
तो मैंने इसको टी स्क्वायर, यहाँ पे पावर क्या है 1/3। इट मीन्स मैं इस फंक्शन को अगर टी क्यूब सपोज कर लूँ, ध्यान से सोचिए, टी क्यूब सपोज कर लूँ तो टी क्यूब से 3 ये वाला कैंसिल हो जाएगा और हमारा ये बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो ध्यान रखना है जिस फंक्शन के ऊपर भी रेडिकल पावर है, रेडिकल क्या होता है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे इस फंक्शन के ऊपर रेडिकल पावर है, तो जब भी आपका रेडिकल पावर हो तो आपको टी की वैल्यू उसी तरीके से लेनी है। अगर रेडिकल पावर 1/2 है यानी कि स्क्वायर रूट है तो आप टी स्क्वायर लेंगे, अगर रेडिकल पावर 1/3 है तो आप टी क्यूब लेंगे, अगर रेडिकल पावर 1/4 है तो टी रेस टू पावर 4 लेंगे, इसी तरह से आप प्रोसीड करेंगे। सो लेट अस टेक एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी क्यूब। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। क्लियर है? यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा, कैंसलिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड। ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एज इट इज एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा, लेकिन हम यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू, इसको दो पार्ट्स में आप ब्रेक कर लो, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, पावर 5 है ना, 5 को आप लिख सकते हो 3+2, सो ये हमारा हो गया एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसा कार्य क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू ये आ गई है, हम पुट कर सकते हैं। तो नाउ वी विल जस्ट चेंज दिस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन द फॉर्म ऑफ टी, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ध्यान से देखते जाइए। एक्स क्यूब माइनस 1 की वैल्यू है टी क्यूब, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन सी दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1, सो ये मेरा हो जाएगा टी क्यूब प्लस 1। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी। तो देख सकते हो आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो चुका है, ये टी बचा और ये हमारा टी स्क्वायर हो गया और ये है मेरा टी क्यूब प्लस 1 डी टी। तो अगर सिंप्लीफाइड में मैं फॉर्म में देखूं, टी इंटू टी स्क्वायर हो गया टी क्यूब और टी क्यूब इंटू टी क्यूब कितना हो गया टी रेस टू पावर 6 प्लस टी इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब, टी क्यूब इंटू 1 कितना हो गया टी क्यूब डी टी। बस आपको इसको इंटीग्रेशन करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एस टू पार एन विच इज इक्वल टू एक्स एस टू पार एन प्लस 1, 6+1 कितना हो जाएगा 7/7 प्लस टी रेस टू पार 3 यानी कि 3+1 4/4+c। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, इट इज इक्वल टू ये पावर 3 यहाँ पे जाएगा तो क्या आ जाएगा पावर 1/3। सो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देख सकते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 किसके इक्वल हो जाएगा टी के, पावर 3 फिर से वहाँ से इंटरचेंज होगी। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इस टी की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, 7 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/3/7, ऐसी 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3/4+c। सिंपल है, इसका एक और तरीका ये भी समझ सकते हो कि जिस भी चीज़ के पर पावर है ना, मतलब पावर इन द सेंस पावर आपकी रेडिकल की फॉर्म में 1/2 है, 1/3 है, 1 बाय, उस पूरे के पूरे फंक्शन को ही टी ले लो। ध्यान से सोचो तो मैंने इसी को तो टी ले रखा है, और पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 था, ऐसा था एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4, तो मैंने इसके पर स्क्वायर रूट पावर रेडिकल 1/2 थी, मैंने इसी को तो टी सपोज किया था। तो देख सकते हो यहाँ से एक्स प्लस 4 की वैल्यू टी स्क्वायर ही आएगी स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो आई होप आप लिंक समझ गए होंगे कैसे करने हैं क्वेश्चंस, प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी अब क्वेश्चन नंबर 13th इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2+3x³ होल रेस टू पावर क्यूब। सो यहाँ पे वही है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज़ द फंक्शन एंड वेयर इज़ द डेरिवेटिव। तो ये हमारा फंक्शन एज इट इज़ पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम इसको पूरे को सपोज कर लेते हैं टी, इस जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हमने क्या सपोज कर लिया टी। नाउ डिफरेंशिएट, 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, 3 इज़ ए कॉन्स्टेंट यू कैन टेक इट आउटसाइड, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt।
तो ध्यान से देख सकते हैं हमारा न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर डी एक्स पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू को इवेलुएट कर लेंगे, 3 × 3 विल बिकम 9 और 9 वहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये 1/9 हो जाएगा। तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1/9 dt। जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, 1/9 आई कैन टेक आउटसाइड बिकॉज दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट, सो इट विल बिकम 1/9 dt अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 + 3x³, इट इज इक्वल टू t, तो होल रेस टू पावर 3 इट विल बिकम t रेस टू पावर 3। नाउ इट कैन बी रिटन एज t रेस टू पावर -3। पता ही आपको जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो बाय द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स द पावर विल बिकम नेगेटिव, इफ इट इज इन नेगेटिव देन इट विल बिकम पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। So using the formula of x raised to power n, which is equal to x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c. So the final answer is going to be -3 + 1 will become -2 and 9 × -2 will become -18 into t raised to power -2 + c. To make the power of t as a positive, we can write down it as 1/t². So it will become 1/18 t² + c. Now just put the value of t. What is the value of t from the given equation? It is equal to 2 + 3x³. So 2 + 3x³ whole raised to the power 2 + c. This is our final answer. I hope you understand. Please note down. So students, our next question is question number 14, integration of 1/x (log x^n) dx. अभी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे फंक्शन और डेरिवेटिव ऑलरेडी पड़े हुए हैं। हमें पता है log x का डेरिवेटिव 1/x है, और वैसे भी जो मैंने आपको रूल बताया, मैंने क्या बोला है, जिस भी फंक्शन के ऊपर पावर है ना, सिंपली उस पूरे को t सपोज कर लो। किस फंक्शन के ऊपर पावर है, log x के ऊपर, तो log x को यहाँ पे क्या सपोज कर लेंगे, t। तो बहुत ही सिंपल है, डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x dx और t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dt। तो ये रहा आपका 1/x dx, मिल गया एज इट इज। 1/x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली dt अपॉन log x को क्या सपोज कर चुके हो आप, t, तो ये क्या हो जाएगा, t रेस टू पावर m, विच कैन बी रिटन एज t रेस टू पावर -m dt, बिकॉज the power is here positive, so when we will shift this function in the numerator, the power will become negative, vice versa ho jate hain. Now it is in the form of x raised to power n, integration of x raised to power n, so formula is x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c. So just put the value and you get your answer. So here t is log x, so log x raised to power -m + 1 upon -m + 1 + c. This is answer. Please note down. So students, let's see a question number 15. Question number 15 is the integration of x upon 9 − 4x². अब इस क्वेश्चन में एज इट इज आपको डेरिवेटिव तो नहीं दिख रहा, बट कुछ लिमिट तक बन जाएगा आपका. So let's see how to do it. So let 9 − 4x² is equal to t. नीचे फंक्शन है और ऊपर एज इट इज डेरिवेटिव नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी लग रहा है 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 एंड इट विल बिकम -4 × x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x dx is equal to dt. So यहाँ से x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x dx की वैल्यू -4 × 2 विल बिकम -8, सो ये -1/8 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. So using the value of x dx in the numerator, it will become -1/8, which can be taken outside, क्योंकि constant है, you can take it outside. अंदर बनेगा dt upon, ये पूरा function आपने क्या suppose किया हुआ है, t, और आप सबको पता है 1/t का integration with respect to t क्या हो जाएगा, log t plus c. So the final answer is 1/-1/8 log, what is the value of t, it is equal to 9 − 4x² plus c. Please note down. So students, let's see a question number 16. This is integration of e raised to power 2x + 3 dx.
सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है डेफिनेटली, वैसे भी आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे हमारा फंक्शन होता है ई रेस्ट टू पार एक्स, तो जो पार होती है इसकी वो एक वेरिएबल में होती है। यहाँ पे हमारे जो पार है वो एक्चुअल में बायनोमियल टर्म है, मीन्स टू टर्म्स हैं, तो हम उसको सिंगल टर्म बनाने के लिए हम इसकी सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। 2x प्लस टी को क्या सपोज कर लेंगे, एक सिंगल मोनोमियल टर्म यानी कि टी, तो लेट कर लेते हैं 2x प्लस थ्री कितना आ जाएगा टी, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं 2 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव dx, 3 का कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, एंड वॉट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ टी, इट विल बिकम dt। बस यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 dt, तो ये जो dx की वैल्यू है इसको रिप्लेस कर देंगे 1/2 dt, और अंदर जो हमारा फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, e रेस टू पावर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3, इट इज़ इक्वल टू t। तो ये तो बहुत सिंपल बन चुका है, e रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x ही होता है, तो इसका e रेस टू पावर t प्लस c ही आएगा। सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t एंड यू गेट योर आंसर, t इज़ हेयर 2x प्लस 3 प्लस सी। और मेरे शॉर्टकट मेथड से मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ई रेस टू पर एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा ई रेस टू पर एक्स ही आएगा, साथ में आपको अगर पावर में कोई भी एक्स का कोफिशियंट है तो वो सिंपली नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस सी। अगर यहाँ पे सपोज 3x है तो इसका इंटीग्रेशन 3x है, अगर यहाँ पे 1/2 है तो इसका आंसर ये है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में आप कर सकते हो डायरेक्टली, बट अगर आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है तो यू कैन जस्ट डू लाइक दैट। प्लीज़ नोट डाउन, आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज़ नोट डाउन। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 17 विच इज़ वेरी सिंपल, सबको आइडिया हो गया कि व्हाट यू हैव टू डू। अभी इतने सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। सो यहाँ पे e की पावर है x स्क्वायर और उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ थोड़ा सा उसी की फॉर्म में, तो वी विल जस्ट टेक हेयर x स्क्वायर इज इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड x स्क्वायर विल बिकम 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, x dx, सो x dx विल बिकम 1/2 dt। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x dx इन द न्यूमिरेटर, इट विल बिकम 1/2 dt, एंड इन द डिनोमिनेटर इट विल बिकम e रेज टू पावर t, बिकॉज वी हैव टेकन हेयर x स्क्वायर इक्वल्स टू t। सो नाउ इट कैन बी रिटन एज e रेज टू पावर माइनस t dt, बिकॉज पावर इज पॉजिटिव, सो व्हेन वी विल शिफ्ट टू द न्यूमिरेटर द पावर विल बिकम नेगेटिव। अभी आपको बहुत सिंपल पता ही है, e रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x, एंड डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से x का कॉफिशेंट यहाँ पे -1 है तो नीचे आ जाएगा -1 + c। सो ये आंसर आ जाएगा -1/2 e रेस टू पावर माइनस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t, इट इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c। टू मेक द पावर पॉजिटिव वी कैन शिफ्ट दिस e रेस टू पावर माइनस x स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, so it will become positive, so this is our answer, please note down। So I hope so that you have understanding the concept। Moving on to our next question, that is question number 18, integration of e raised to power tan inverse x upon 1 plus x square। लो जी यहाँ तो सब कुछ दे रखा आपको फंक्शन में, ये रहा tan inverse x और ये रहा उसका डेरिवेटिव, तो क्या है बस डायरेक्टली ले लीजिए इस क्वेश्चन में, tan inverse x को क्या सपोज कर लेंगे t। Now all of you know that the derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square dx equals to dt। तो ये रही पूरी की पूरी वैल्यू, यही तो है 1 upon 1 plus x square dx, इसको रिप्लेस करेंगे या इसकी वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे तो इट विल बिकम dt, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू dt के इक्वल है, और ये हो जाएगा e raised to power what we have put tan inverse x is equal to t, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। And the integration of e raised to power x is e raised to power x plus c. So just put the value e raised to power tan inverse x plus c. That's the answer. Please note down. So students, let's move to question number 19. That is integration of e raised to power 2x minus 1 upon e raised to power 2x plus 1. Now if you will just see this question, आपको directly नहीं मिल रहा है. You can't just identify what is the function and what is the derivative. तो यहाँ पे कुछ हमें करना पड़ेगा. क्या करेंगे यहाँ पे, व्हाट यू कैन डू इज टू मेक द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, वी कैन जस्ट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेस टू पावर एक्स। अभी आप देख लीजिए ऐसा क्यों करेंगे, आपको रीज़न पता चल जाएगा।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने दोनों को ही ई रेस्ट पर एक्स से डिवाइड कर दिया है। इसको सेपरेटली अगर करते हैं तो ई रेस्ट पर टू एक्स अपॉन ई रेस्ट पर एक्स माइनस वन अपॉन ई रेस्ट पर एक्स। सेम डिनोमिनेटर में भी इसको स्प्लिट कर देंगे, ई रेस्ट पर टू एक्स अपॉन ई रेस्ट पर एक्स प्लस वन अपॉन ई रेस्ट पर एक्स, दिस इज डी एक्स। तो यू कैन नो दैट कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, एक पावर कट हो जाएगी तो हमारा e रेस्ट टू पावर x बचेगा एंड 1 अपॉन e रेस्ट टू पावर x कैन बी रिटन एज e रेस्ट टू पावर माइनस x बिकॉज यहाँ पावर पॉजिटिव है एंड व्हेन वी विल शिफ्ट टू द न्यूमरेटर इट विल बिकम नेगेटिव। इन द सेम वे e रेस्ट टू पावर 2x e रेस्ट टू पावर x, इसको अगर ऐसा सोचो तो आप ऐसे भी सोच सकते हो a रेस्ट टू पावर m अपॉन a रेस्ट टू पावर n विल इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर m माइनस n। सो m माइनस n करेंगे 2x माइनस x विल बिकम x, जैसा सोचना आप ऐसा सोच सकते हो एंड 1 अपॉन e रेस्ट टू पावर x कैन बी रिटन एज e रेस्ट टू पावर माइनस x। तो ये जो क्वेश्चन था जहाँ पे हमें फंक्शन एक्चुअल में नहीं पता चल रहा था कि व्हाट इज़ द फंक्शन एंड व्हाट इज़ द डेरिवेटिव, नाउ जस्ट अप्लाइंग द रूल अप्लाइंग द ट्रिक ऑफ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेस्ट टू पावर x आई गेट दिस फंक्शन। अभी थोड़ा सा आपको हिंट मिल गया होगा। नाउ जस्ट सी हियर, ये आपका फंक्शन है और ऊपर क्या पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव। सो अपना लगा लेते हैं रूल और हमारा आ जाएगा आंसर। तो e रेस्ट टू पावर x प्लस e रेस्ट टू पावर माइनस x को कैसे पोज कर लेंगे t। नाउ e रेस्ट टू पावर x इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर x के इंटीग्रेशन डेरिवेटिव तुम्हारा सेम ही होता है एंड e रेस्ट टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव भी क्या आएगा e रेस्ट टू पावर माइनस x, बट चेन रूल से माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस वन। सो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और बोथ फंक्शंस आर ऑफ एक्स सो डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू डी टी। इसका सिर्फ डिफ्रेंसिएशन करा गया है। ध्यान से देखिए तो ये पूरी की पूरी न्यूमरेटर आ चुकी है, दिस इज कंप्लीट न्यूमरेटर विच इज इक्वल टू डी टी। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डी टी एंड सब्स्टिट्यूट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू टी। सो देख लीजिए कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ यू नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी इज लॉग टी प्लस सी। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टी हेयर, द लॉग टी टी इज हेयर ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। यू कैन जस्ट सी है यहाँ पे बस उससे भी इजी क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो डायरेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। जस्ट टेक द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू टी। नाउ ई रेस्ट टू पावर टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट टू पावर टू एक्स एंड बाय यूजिंग द चेन रूल द डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स विल बिकम टू। सिमिलरली द डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट टू पावर माइनस टू एक्स इज ई रेस्ट टू पावर माइनस टू एक्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ माइनस टू एक्स इज माइनस टू। होल सारा फंक्शन एक्स का है तो साथ में चेन रूल से डी एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू डी टी। सो यू कैन टेक हेयर टू कॉमन, सो इट विल बिकम ई रेस्ट टू पावर टू एक्स प्लस माइनस विल बिकम माइनस। सो जस्ट सी हियर दिस इज योर न्यूमरेटर, देख लीजिए यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू आपकी इवैल्यूएट हो चुकी है तो इसकी वैल्यू को जस्ट हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ये टू यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा वन बाय टू, दिस इज कम्प्लीटली योर न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर इज इक्वल टू वन बाय टू डी टी एंड द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू टी। सो अगेन वो हमारा पिछले क्वेश्चन वाली फॉर्म में चेंज हो चुका है, वन बाय टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी। सो यहाँ पे जस्ट आपने t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, सो इट इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t हेयर, t इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर 2x प्लस e रेस्ट टू पावर माइनस 2x प्लस c। हैव ए लुक फ्रेंड्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। दिस इज द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ टेन स्क्वायर थीटा एंड वी डोंट हैव द फॉर्मुला टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर थीटा डायरेक्टली। सो वॉट वी कैन डू नाउ,
ये टेन स्क्वायर थीटा है, इसको हम टेन स्टैंडर्ड के फॉर्मूले से लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन, बिकॉज इन टेन स्टैंडर्ड यू हैव डन थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो वहाँ पे आपने पढ़ा था सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, सो दैट मीन्स वहाँ से आप टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को इवेलुएट करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन। सो दिस विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा इज हेयर टू एक्स माइनस थ्री माइनस वन dx। सो इसको अलग अलग कर लेंगे डायरेक्टली, सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे आपको पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, सो tan थीटा हमारा यहाँ पे 2x माइनस 3 है, और यहाँ पे क्योंकि थीटा में कॉफिशियंट है x का 2, तो ये हमारा डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। जैसे चेन रूल से मल्टीप्लिकेशन में 2 आएगा, चेन रूल से आप 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव ले देते तो 2 आएगा मल्टीप्लिकेशन में, बट दिस इज इंटीग्रेशन सो एवरीथिंग विल कम इन द डिनोमिनेटर, तो वहाँ से 2 आ जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस सी। अगर आपको डायरेक्टली नहीं करना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सिंपली यहाँ पे जो थीटा है वो 2 वेरिएबल में है, इसको आप 2x माइनस 3 को t सब्स्टिट्यूट करके भी करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा, प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, सेकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। सो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया जिसमें हमारा यही था सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो मैंने वहाँ पे डायरेक्टली कर दिया था, आपको बोला भी मैंने कि इसका सीधा इंटीग्रेशन आप ऐसे करके ऐसे लिख सकते हो tan थीटा, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा में जस्ट आपको देखना है x का कोफिशियंट क्या है, वो है माइनस 4, तो वो नीचे आ जाएगा प्लस सी। तो ये तो हमारा है शॉर्टकट टेक्निक, अगर शॉर्टकट टेक्निक नहीं यूज़ करनी आपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है यहाँ पे, तो यू कैन जस्ट सी हियर आपका जो यहाँ पे थीटा है इसी को हम सपोज कर लेंगे टी, सो 7 माइनस 4x को हमने टी सपोज कर लिया, सो 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, एंड माइनस 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से dx की वैल्यू इवेलुएट हो जाएगी, इट विल बिकम माइनस 1 बाई 4 डी टी। सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 इंटीग्रेशन, और ये हमारा dt में चेंज हो जाएगा, एंड इट विल बिकम सेकेंड स्क्वायर, यू हैव पुट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू t, तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हो चुका है, सेकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t प्लस c। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t हेयर, सो t इज हेयर 7 माइनस 4x, तो देख लीजिए आपका वही आंसर आया जो मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक से बताया है। तो सिंपली देख लीजिए सीकेंट स्क्वायर थीटा है ना, वॉट एवर द थीटा इज देयर, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टेन थीटा। बस थीटा में आपने देखना है अगर एक्स का कॉफिशियंट वन के अलावा कुछ और है, कुछ भी है, वॉट एवर इट कैन बी, इट कैन बी माइनस टू माइनस वन, हेयर इट इज माइनस 4, तो नीचे माइनस 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म से करना है, आप ऐसे करेंगे, प्लीज़ नोट डाउन। सो दिस क्वेश्चन मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव इज गिवन, दोनों चीज़ें गिवन है, तो वॉट वी हैव टू अज्यूम, वी हैव टू टेक द फंक्शन इज इक्वल टू टी, सो लेट अस टेक हियर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सो ये देख लीजिए आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ही तो है, तो बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू टी, एंड द वैल्यू ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो बहुत ही सिंपल है, टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स रेस टू पावर एन, दैट मीन्स टी रेस टू पावर 1+1/1+1 प्लस सी, दैट मीन्स टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सो दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉज एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 6 कॉज एक्स प्लस 4 साइन एक्स। तो ध्यान से देखेंगे, डिनोमिनेटर में से फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेके मैंने इसको एक्चुअल में बाहर ही ले लिया, 2 नीचे से आएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, जस्ट सी हियर 2 कॉमन ले लिया तो इट विल बिकम 3 कॉज एक्स प्लस 2 साइन एक्स। नाउ यू कैन जस्ट सी वॉट इट हैज़ बिकम, दिस इज फंक्शन एंड दिस इज डेरिवेटिव, ध्यान से देखिए, दिस इज फंक्शन दिस इज डेरिवेटिव, सो वॉट वी हैव टू टेक,
फंक्शन की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे फंक्शन को किसके इक्वल पुट कर देंगे, टी के। सो नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट दैट थ्री इज अ कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स इज माइनस साइन एक्स, टू इज अ कॉन्स्टेंट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये यही तो है, ये पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है। इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो एक बार लिख दो आप, टू कॉज एक्स पॉजिटिव माइनस थ्री साइन एक्स नेगेटिव, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नाउ यू कैन सी हेयर द होल न्यूमरेटर इज चेंज इन टू डी टी, तो बहुत ही सिंपल हो चुका है, डी टी बाय दिस इज टी। सो कितनी बार कर चुके हैं हम पिछले क्वेश्चन में, वन बाय टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी प्लस सी। सो आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टी। सारे क्वेश्चन ही आपके इस तरीके से हैं, आपने बस इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि वॉट इज द फंक्शन एंड वॉट द डेरीवेटिव इज देयर। सो जो भी फंक्शन है, फंक्शन को आप टी से पोज करोगे, डेरीवेटिव आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में मिल जाएगा, प्लीज नोट डाउन। सो लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। सो इसको ध्यान से देखते हैं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो सिकेंड स्क्वायर एक्स की फॉर्म में। अभी आपको पता है मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है, अभी सारे बच्चों को हिंट आ चुका होगा भाई हम क्या करने वाले हैं। सो ऑल ऑफ यू नो दैट ये फंक्शन है और ऊपर क्या पड़ा हुआ, उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। सो व्हाट वी विल टेक, विल टेक फंक्शन इक्वल्स टू टी। सो लेट अस टेक वन माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो एंड द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी टी। बट हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक्चुअल में पॉजिटिव है, तो हार्डली मैटर्स, आप इस नेगेटिव साइन को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हो। सो व्हाट डज इट बिकम, इट विल बिकम सिकेंड स्क्वायर एक्स टी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। बस ये नेगेटिव है, इसको बाहर पुट कर दो, सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी, दैट इज माइनस डी टी जो अभी आपकी आई है। और नीचे इस फंक्शन को आपने क्या सपोज करा है, टी, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज टी रेज टू पावर माइनस टू, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट पावर इज पॉजिटिव, सो वेन इट विल कम इन द न्यूमरेटर इट विल बिकम नेगेटिव। नाउ दिस फंक्शन हैज़ बीन चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एस टू पार एन, सो अप्लाइंग द फॉर्मूला एक्स एस टू पार एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी विच इज गोइंग टू बी टी रेज टू पार माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी which further becomes minus minus will become plus and t raised to power minus 1 can be written as 1 by t plus c. Now just put the value of t equals to 1 upon 1 minus 10x plus c. So this is our answer. Please note down. Friends, I hope so that you have understood the concept done today. यहाँ पे जो हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं, हमने किए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके, और आपको बेसिकली ट्रिक समझ आ गई होगी कि जिस भी फंक्शन के ऊपर पावर है वी आर टेकिंग दैट फंक्शन इक्वल्स टू टी, तो हमारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व हो जाते हैं बहुत ही ईजिली। सो टुडे आई हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 to 25, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 26 टू द रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 39, आज देर आर 39 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। सो please watch my that video also. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching Alisha Maths Classes.